अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कॉरी, हमें तो हमें ये सब करते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ ये करते हुए। मगर और कोई चारा नहीं है। हम नहीं सकते ना तुमसे मार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे होश पे आओ कोरी, अपनी नफरत की आग में इतना भी मत जलो कि जिंदगी भर तुम उसका पछतावा करने के लायक तक ना बचो। और हमें हमने अपनी बहन की जान लेके तुम कभी सुकून से ना ही रह पाओगी। सुकून ही तो छीन लिया ना तुमने हमारा, पूरी जिंदगी पर बात करके रख दी, लेकिन आप ना, हम और चुपते ही रहेंगे और नहीं सहेंगे। आज हम हमेशा के लिए कहानी खत्म कर देंगे, क्योंकि आज या तो हम जिंदा रहेंगे या तुम। तुमने बचपन में एक बच्ची को ना उसकी माँ से अलग कर दिया, इसलिए भैया का खून कर दिया। और हमारे सामने खड़े होकर ये सारी बातें कर रही हो, तुम्हें समझा नहीं सकते कैसा लगता है जब आपके भैया का खूनी आपके सामने खड़ा होना और आप कुछ नहीं कर सकते। खून खौलता है, सबको लगता है कि हम गलत हैं, हम बुरे, हमारा दर्द, हमारे हंसों, हमारी तकलीफ किसी को नजर नहीं आते, हमने भी बहुत कुछ खोया है। लेकिन अब ना, अब बस, अब हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। तुमने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली कृष्णा, सब कुछ छीन लिया। अब हम तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लेंगे। नहीं कौनी, बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। हमने अपनी माई को ना ही मारा, हम काहे मारेंगे उनको? हम माई के कातिल ना ही है। और इस बात का सबूत हम तुम्हें आज के आज देकर बताएंगे। चाहे जो हो जाए, पर अपनी माई के असली कातिल को तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है तुमसे। इससे पहले कृष्णा को हमारी सच्चाई के बारे में पता चले, हमारे इस गले की हड्डी जानकी का कुछ करना पड़ेगा। हम जानकी जी से उस तस्वीर का सच पता लगा कर रहेंगे। आज हम अपने माही के कातिल को ढूंढ कर रहेंगे। मामा जी, इसका काम तो हम कब का तमाम कर देते, लेकिन बस आपकी वजह से रुके हुए थे। हर काम को करने का एक सही समय होता है भांजे। पर भैया, हमें इस वक्त को ना किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। कृष्णा अगर जानकी के पास पहुंच गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसे तो हमें ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। पेंटिंग और चित्रकारी का बहुत शौक है ना तुझे, आज तेरे साथ साथ इस शौक का भी दी एंड होने वाला है। आज तेरे फोटो पे माला चढ़ाएंगे हम।
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। पकड़ो उसे। पकड़ो। अभी तो खातिरदारी शुरू हुई है। छोड़ो मुझे। माफ करना, भगवान के लिए नहीं छोड़ पाएंगे तुझे आज, क्योंकि भगवान के पास भेजने का समय आ गया है। जैसे महुआ को भेजा था। आज तुझे भेज देंगे। जानकी जी, कृष्णा बेटा, बेटा हमारे साथ चल। क्या हुआ? बेटा, बेटा गौरी ने जहर खा लिया। चल हमारे साथ चल। गौरी, 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 मुझे बोलो अपने। गौरी, गौरी, दादी, दादी चलनी चाहिए, पानी लेकर आइए। इस धुएं से आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। क्या हुआ भैया? अरे हमें तरस आ रहा है इस पे। नहीं, बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजारी है इसने। 10 मिनट और, उसके बाद हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाएगा इसे। बेटा इसे तो होश नहीं आ रहा, क्या करें? आप जल्दी जाइए और नीम की पत्तियां लेकर आइए। डॉक्टर को फोन करते हैं। प्लीज।
अंगारे क्यों हमें हम तो तुम्हें बचाना चाह रहे थे। जैसे हमारी मैया को बचाया वैसे। तुम जानती हो हम बहुत अच्छे से जानते थे कि जब हमारे जहर खाने की खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ना तो यही झूठा प्यार वाला मुखौटा पहनकर दौड़ी 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 चली आओगी हमारे पास। और यही तो हम चाहते थे तुमसे हिसाब करना अगर अकेले में। कुछ मदद करते तुम्हें क्या लगा हा? हम तुमसे हार मान लेंगे और वो भी इतनी आसानी से। धोखे की आदत है हमें मगर हारने की आदत नहीं है और भूल गए हारना हमारी फितरत नहीं। अगर हारोगी तो आज तुम कृष्णा या तो हमसे या फिर अपनी बची खुची जिंदगी से। बीते दिनों बहुत कुछ झेला है कृष्णा ने। हमारा सबके सामने गौरी के लिए प्यार का इजहार करना बड़ा शॉकिंग रहा है उसके लिए। हमें एक बार आमने सामने बैठ के इत्मीनान से उससे बात करनी होगी। अम्मा जी ये नीम के पत्ते लेके इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है आप? वो सब ठीक तो है ना? कुछ तो ठीक नहीं है बेटा, गौरी ने जहर खा लिया है, उसके लिए लेके जा रहे हैं। जहर खा लिया? क्या बोल रही है? ठीक कह रहे हैं बेटा, चल तू आप। दरवाजा बंद क्यों है? कृष्णा बेटा दरवाजा खोल। कृष्णा बेटा ये दरवाजा तो पहले खुला था, बंद है। हम कहते डर लग गया, पता नहीं कहा गड़बड़ हो। अरे खोल। हम खोलते हैं मच्छर की। कृष्णा ठीक हो तुम? इस दिन से हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं, हम इसकी जान ले लेंगे। और कितना नीचे गिरेगी तू गौरी? पहले अपनी बहन का स्वांग छीन लिया और अब आप उसकी जान लेने जा रहे हैं, यही कहना चाहती है ना आप? अबू ने हमारी मैया की जान ले ली, उसकी जान कैसे बख्श दे? कैसे? नहीं कैसे? नहीं छोड़ेंगे इसे। हटो यहां से, कातिल है हमारी मैया, हम इसकी जान ले लेंगे। गौरी छोड़ो, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम इसे। पूछ मैं बल करो अपना ये पागल। कृष्णा की तरफ तुम नहीं जाओगे, बहुत हो गया बस। बस गौरी नहीं जानती, बस चीज बहुत हो गया। छोड़ो गौरी को, हम दोनों बहनों के बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे ना बोले बीच में, इसे तेरा गला दबाने दे, तेरी जान देने दे।
नहीं दादी, पर अभी हमारा गौरी से अकेले में बात करना बहुत ही जरूरी है। अपने आप में नहीं है कृष्णा गौरी, और ऐसे में उसके साथ अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हम। कुछ भी कर सकती है वो इस टाइम। हम अपनी सुरक्षा करने के काबिल हैं। देखा अभी हमने वो कैसे सुरक्षा कर रही थी तुम। अरे खून सवार है गौरी के सर पे, अपनी आंखों से देखा हमने कैसे गला दबा रही थी वो तुम्हारा। अकेला नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें उसके साथ। जाना तो पड़ेगा जीत, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, उसे सुलझाना बहुत जरूरी है। दादी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णा तू क्या कह रही है, कैसी बातें कर रही है तू? हमने कहा ना दादी, हमें गौरी से अकेले में कोई बात करनी, बात करना बहुत जरूरी है हम दोनों का। आप लोग जाइए प्लीज। कृष्णा हमारी बात सुनो। हमने कहा ना जीत, जाओ यहाँ से, जाइए ये यहाँ से दादी। हम आप लोगों से बाद में बात करके करेंगे, अभी जाइए। कृष्णा हमारी बात सुनो। हमने कहा ना जीत। कृष्णा ने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा। चल रहने दे, दोनों बहनों को ना अकेले बात करने दे, कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। अच्छा आज तुमने हमारे भयानक से भयानक सपने को हकीकत बना दिया। जिस चेहरे की मासूमियत देख के हमारा जी नहीं भरता था, लेकिन आज उसी चेहरे पे हैवानियत देख के हमारी रूह कांप उठी है। जान से मारना चाहती हो ना हमें, बेशक मार दो, हम खुद अपनी गर्दन तुम्हारी तलवार के नीचे रख देंगे। कसम महादेव की, रत्ती भर भी अफसोस ना ही होगा हमें। पर हाँ, उससे पहले हमें अपनी माई के असली कातिल का पता लगा लेने दो। बस एक दिन उसे तुम्हारी आंखों के सामने ले आए, उसके बाद तुम्हें हमारे साथ जो करना है तुम कर लेना। आज से हमारी जिंदगी तुम्हारे पास उधार रखी है, जब जी चाहे जैसा चाहे उसे इस्तेमाल कर लेना, और ज्यादा मोहलत भी नहीं लेंगे तुमसे। बस एक आज का दिन, कसम महादेव की, आज के आज तुम्हारे सामने माई के कातिल का नाम रखेंगे। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा एक मिनट बात तो सुनो हमारी। बात तो सुन लो हमारी। बादशाह तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार ना बचाओ, पर कभी तो प्यार किया था ना तुमने हमसे, तो क्या उस प्यार के वास्ते एक और मौका नहीं दे सकते तुम हमें? मानते हैं कि भरोसा तोड़ा है हमने तुम्हारा, पर एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है ना। पिछली बार हमारे प्यार की शुरुआत तकरार से हुई थी, इस बार प्यार की शुरुआत दोस्ती से करेंगे। तो कृष्णा नारायण, क्या तुम्हें जीत नारायण की दोस्ती स्वीकार है?
ये कि हम प्यार करते हैं गौरी से, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमें तुम्हारी दोस्ती स्वीकार नहीं है। चोट खाई शेरनी को दोबारा हासिल करना बड़ा जिगरे का काम है बेटा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, हिम्मत मत हारना। प्यार अगर सच्चा है ना, तो दूरी बढ़ने से उसमें और गहराई आ जाती है। कृष्णा को तेरी होना ही होना है। नहीं बेटा, जानते छुटकारा कृष्णा ने सीधे हमारी मैया को मारे। मैया की कातिल ना तुम ही हो, सीधे हमसे हमारी मैया को नहीं दी, हमारी मैया की जान दी। मार दिया, मार दिया, मार दिया। गौरी, 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 संभालो अपने आप को। गौरी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गौरी, देखो, कसम खाते हूँ, जिसने तुम्हारा हाल किया ना, उसका हाल अगर बेहाल नहीं कर दिया तो हमारा नाम सुकांत नारायण नहीं। अरे नहीं छोड़ेंगे हम उसे। शांत क्यों करें? गौरी, गौरी, हम नहीं जानते कि तुमने हमें कभी अपना माना है या नहीं, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपना माना है। और हमसे ना तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। देखो, हमें बताओ कि मामला क्या है। हम कोई गैर थोड़ी हैं, हैं? गैर? गैर तुम्हारी किस्मत हो गई है। हमसे नहीं कोशिश कर रहे अपने हाथों से समेटने की सारी खुशियों को जो हमें चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। बहुत कोशिश की हमने, हर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अरे बाजी, सब कुछ हाथ से निकल गया, कुछ नहीं। बाजी भले ही हाथ से निकल जाए, लेकिन खेल तुम अब भी अपने नाम कर सकती हो गौरी। हार को जीत में बदलने के लिए या तो जीत के काबिल बन जाओ, या फिर जीतने वाले से बड़े बन जाओ। तुम्हें भी वही करना है। इस घर में अपनी हैसियत उस कृष्णा से ऊंची करनी है। जानकी जी, जानकी जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे बात कर
हालत ऐसे, और जानकी जी कहाँ चली गई? जय हो शेर वाली मैया। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है। जब जब हमने जानकी जी से अपनी माई के कातिल के बारे में जानने की कोशिश की, तब तब बीच में ऐसी अड़चन आई कि वो बात पूरी ही नहीं हो पाई और टल गई, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इस समय तो जानकी जी को अपने कमरे में ही होना चाहिए था ना, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। हमें जानकी जी से मिलना बहुत जरूरी है, आज के आज हमें अपनी माई के कातिल का पता लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें जानकी जी से मिलवा दीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। चली गई। नहीं नहीं, जानकी जी के जान को कोई खतरा है, मैं उन्हें बचाना होगा। पर क्या करें, कहाँ ढूंढे हम उन्हें, कैसे ढूंढे? हे माता रानी, कोई रास्ता दिखाओ, मदद करो हमारी। जानकी जी को ढूंढना बहुत जरूरी है, उनकी जान को खतरा है। प्लीज हमारी माई के कातिल को सामने लाने का बस एक ही जरिया है, प्लीज हमें जानकी जी से मिलवा दीजिए। कहाँ से आ रहा है ये? माता रानी का ही कोई इशारा। इसी कमरे से धुआं बाहर आ रहा है, कितना धुआं! अरे ये जनरेटर किसने चालू किया? सबसे पहले तो हमें इसे बंद करना होगा, वरना जानकी जी को ढूंढने से पहले हम ही यहाँ धुएं से बेहोश हो जाएंगे। ये रहा।
होश में ही नहीं है। जानकी जानकी जी उठिए, जानकी जी उठिए। जानकी जी उठिए, आंखें खोलिए अपनी, उठिए ना। जानकी जी हमने कहा, शुक्र है सांसें तो चल रही हैं इनकी। जानकी जी हम, लगता है अभी इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, इनके सर से मुसीबतों का पहाड़ कब हटेगा। हमेशा कोई ना कोई इनके जान के दुश्मन बना ही रहता है। अब इनकी ऐसी हालत में अब इनसे अपनी माई के कातिल के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। अब बस आपका ही आसरा है। जब जब कोई रास्ता बंद हुआ है, आपने नई राह दिखाई है, इस बार भी दिखा दीजिए। फिर हमने तुम्हें हासिल कर ही लिया गौरी। हार को जीत में बदलने के लिए या तो जीत के काबिल बन जाओ या फिर जीतने वाले से बड़े बन जाओ। तुम्हें भी वही करना है। इस घर में अपनी हैसियत उस कृष्णा से ऊंची करनी है।
जो हम तुम्हारी छोटी बहन बनकर नहीं कर पाए कृष्णा, वो अब हम तुम्हारी सास बनकर करेंगे। ये शादी हमारी खुशी नहीं, हमारी मजबूरी है। गौरी, हम गौरी ये कहाँ चली गई? फोन करते हैं। अपने कमरे में नहीं है और सुकांत भी यहां नहीं है, दोनों गए कहां? अब देखना कृष्णा कैसे एक ही छत के नीचे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी को नरक से बदतर बनाते। जी चाचा, चाचा कहाँ है? पता नहीं, नहीं कहीं होंगे, क्या हुआ? बताओ हमें कहाँ है तुम्हारे चाचा? हुआ क्या कृष्णा, क्यों परेशान हो इतना? हम यहाँ हैं। हम ये तो जानते थे कि तुम नादान हो, ना समझ हो, अगर तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो ये भी आज हमें पता चल गया। हमारी हमारी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्यों? हमारी जिंदगी की बर्बादी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी कृष्णा, जिस दिन से तुमने हमारे साथ ये खेल खेलने शुरू किए थे। आखिर छीन ही लिया ना तुमने हमसे हमारा जीत, धोखे से बना लिया ना उसे अपना। खुश तो बहुत होगी अब तो। अब हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आबाद करते हैं या बर्बाद करते हैं, यह हमारा निजी मामला है। तुम इससे दूर रहो।
सुकांत, गौरी, अंत भला तो सब भला। वैसे मामा जी की तो निकल पड़ी, देखो अब क्या पता हमारी भी निकल जाए। तो अपनी बर्बादी पे इतना काहे मुस्कुरा रहा है? तेरा दिमाग सच में घुटनों में है क्या? अरे एक तो पहले से ही इस घर में थी, अब ये दूसरी भी आ गई है। इन दोनों ने ना अपने नाम सारी प्रॉपर्टी कर लेनी है और हमें कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं, बंटा था हो जाएगा सारा का सारा। अब तक हमने सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और तुम जानते भी हो कि तुमने ये ब्याह किसके साथ किया है? बस बस, और नहीं। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो जो भी है, जैसे भी हो, अब हमारे पति। और उनके खिलाफ हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे कृष्णा। वाह, क्या बासी मारी है तूने आज सुकांत। दो बिल्लियों की लड़ाई में अपना फायदा निकाल लिया। सुनना पड़ेगा तुम्हें, हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे सच्चाई। जानती हो ये है हमारी माई का कातिल। क्या बोल रही हो कृष्णा? जानती हो, हम बताते हैं तुम्हें, ये है ना, ये था वो। और तुझे लगता है कि उस जानकी की गवाही पे हम हमारे बेटे सुकांत को महुआ का कातिल मान लेंगे? वो जानकी पागल है, हम नहीं। चल, तेरी तसल्ली के लिए हम जानकी के मुंह से सच सुनना चाहते हैं। जानकी बाहर आ। जानकी, ये लड़की कह रही है कि उसकी माँ का कातिल सुकांत है, क्या ये सच है? बोल, सच है ये? बोलिए जानकी जी, सच
सच क्या है बता दीजिए सबको प्लीज। शाबाश, हमें अच्छा लगा कि तुमने सच्चाई का साथ दिया। अच्छा ये बताओ तुमने कौन से रंग की साड़ी पहनी है? बोलो। नीली, नीले रंग की। जिस औरत को अपने कपड़े का रंग पता नहीं है उसकी बुद्धि पर भरोसा करके तू हमारे बेटे को कातिल साबित करना चाहती है? अरे तेरे दिमाग में तो भूसा भर गया है। देखिए अगर आप लोग उसे ऐसे डरा धमका के सवाल पूछेंगी तो फिर ये सच कैसे बोलेगी? हम डरा रहे थे? हम तुझे डरा रहे हैं जानकी? बोल, डराया हमने तुझे? नहीं नहीं। जा। बस कृष्णा, बस करो कृष्णा, बस। तमाशा बना के रख दिया हमारी भैया की मौत का तमाशा। अब बड़ा गुनाह करने के बाद कितनी आसानी से मैं अपना पाप किसी और के मत्ते मरने की कोशिश की। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? सब तो छीन लिया तुमने हमसे, हमारा सारी खुशियां छीन ली जिनसे हम प्यार करते थे ना, एक एक करके तुमने हमसे हर शक को दूर कर दिया, हमारी मैया को दूर कर दिया कृष्णा, अमू को भी दूर करके हमें अकेला कर दिया। फिर वो शख्स जो हमसे प्यार करता था, हमसे शादी करना चाहता था, जी तुमने धोखे से उसे भी हमसे छीन लिया, सारे सुख छीन लिया मां, और अब जो बची खुची खुशियां हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं हम उन पर भी डाका डालने के लिए आ गई। देखा नहीं जाता तुम्हें, खुश नहीं देखा जाता हमें? नहीं, ऐसा नहीं है गौरी। एक बार फिर से तुम हमें गलत समझ रही हो। अब ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। कौन है, जरूरत ना इसकी भलाई सोचने की। ये लड़की इस लायक ही ना है कि इसका भला सोचा जाए। आज तो तूने हद ही पार कर दी गौरी। अरे तेरी बेवकूफियों को कब तक माफ करते रहेंगे हम सब? राज, आज तेरी बेवकूफियों पर पूर्ण विराम लगाकर ही रहेंगे हम। चुप। अभी ना समझ है, ना दान है, गलत रास्ते पे चल पड़ी है। पर बड़ों का तो काम है ना कि अगर बच्चा गलत राह पे चले जाए तो उसे सही राह पे लेके आना।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमें ना, हम समझाएंगे गौरी को, हम उसे सही रास्ते पर लेकर आएंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। बस बंद करो अपना ये फैमिली ड्रामा। अरे भाई किसी को हो ना हो, हमें बहुत खुशी हुई है गौरी को अपने घर की बहू मान के। हमें तो ऐसी ही सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए थी अपने घर के लिए, सो हमें मिल गई। और कृष्णा तू, अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है इस घर से। ऐसे क्या देख रही है, हमने कुछ गलत कहा का? जब जीत से कोई रिश्ता नहीं है मतलब इस घर से रिश्ता खत्म। जा वहां है दरवाजा, जा। आप हमें बाहर का रास्ता का दिखाएंगे? हम खुद ही ऐसे घर में नहीं रहना चाहते जहां हमारे साथ हमारी माई का कातिल भी रहता। अरे सब ऐसे खड़े क्यों हो? मेरे बेटे की रिसेप्शन की पार्टी रखनी है, सारे रीति रिवाज भी करने हैं, रसम भी निभाना है, हाँ, और पूरे गांव को न्योता देना है, खाना खिलाना है। चलो तैयारी करो। खुश रहो। हमें तो लगता था कि सुहाग की सारी निशानियां बहुत पवित्र होती हैं। इन सबके कुछ खास मायने होते हैं, सबके भाग्य में नहीं होते, पर कौन उसके लिए तो ये सब कुछ बस एक खेल खिलौने की तरह, जो आज इसके नाम का पहन लिया तो कल किसी और के नाम का पहन लिया। कृष्णा, कृष्णा प्लीज मत जाओ घर छोड़ के। क्या कर रही हो कृष्णा? कृष्णा बात सुनो हमारी प्लीज। छोड़ो हमें। कृष्णा बात सुनो हमारी, कृष्णा मत जाओ प्लीज। क्यों ना जाओ? और तुमने सुना नहीं कि हमने क्या कहा था? इस घर में हम अपनी माई के कातिल के साथ नहीं रह सकते, दम घुटेगा हमारा यहाँ उनका चेहरा देख देख कर। कृष्णा छोड़ो हमें। हमारी बात सुनो, इधर आओ, हम समझते हैं तुम्हारे जज्बात को, पर क्या सबूत है कि चाचा जी ने तुम्हारी मैया का कत्ल किया? जानते थे हम, पता था हमें कि तुम भी बाकी घर वालों की तरह हमारी बात पे भरोसा नहीं करोगे। ऐसी बात नहीं है कृष्ण, हमें भरोसा है तुम पर और पूरा भरोसा है, पर वो जानकी चाची की बातों पर यकीन नहीं है हमें। अभी देखा ना तुमने नीचे क्या बोला उन्होंने? हाँ देखा हमने, और तुम भी देखोगे जब हम सुखांत का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। महादेव की सौगंध, अब तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सुखांत का सच सबके सामने नहीं ले आते, जब तक उसके गुनाहों की सजा हम उसे नहीं दिलवा देते। Yeah.
लिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।